नमस्ते एंड वेलकम टू बोल बॉलीवुड। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म के बारे में जो क्राइम और थ्रिलर से भरपूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंचन मेहता की अपकमिंग मूवी द बकिंगम मर्डर्स के बारे में। ये फिल्म आपको आपकी एज ऑफ द सीट, सस्पेंस एंड थ्रिलिंग ट्विस्ट से भरपूर रखने वाली है। ये फिल्म एक इंडियन ब्रिटिश डिटेक्टिव के बारे में है जिसका मकसद एक छोटे से बच्चे की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना होता है। द बकिंगम मर्डर, जिसका ट्रेलर बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है और पहेलियों से उलझा हुआ है, ये ऑडियंस के मन में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। इसकी शूटिंग लंदन के बकिंगम पैलेस के आसपास होने के कारण इसके अंदर और भी ज्यादा सस्पेंस एड होता है। करीना कपूर खान इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही है। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट डिटेक्टिव के कैरेक्टर में देखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। करीना कपूर खान ने पहले भी क्राइम थ्रिलर जैसी फिल्में की हुई है और उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनका माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस हमें इस फिल्म में भी शाइन करते हुए दिखाई देने वाला है। करीना कपूर का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एंड उनकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड मेजमराइज करती है, खास करके उनके फैंस को जरूर। हंसन मेहता के नाम की बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। उन्होंने कई सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई है एंड द बकिंगम मर्डर भी उनके सक्सेसफुल फिल्मों में से एक हो सकती है। उनके डायरेक्शन में ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म होगी। उनकी मास्टर क्लास स्टोरी टेलिंग एंड ग्रिपिंग नैरेटिव ऑडियंस को एंगेज करके रखेगी और फैंस से इसका इंतजार किया नहीं जा रहा है। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के तुरंत बाद ही ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया हुआ है। ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटीसिपेट फिल्म होने वाली है एंड द फैंस आर ईगरली वेटिंग फॉर इट्स रिलीज। तो तैयार हो जाइए क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री के लिए। और इस फिल्म का ट्रेलर आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए बोल बॉलीवुड को फॉलो करके रखें। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।